मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन की आड़ से उमड़ी भीड़, मनमानी कर रहे व्हाट्सएप ऐप भी। मध्य पूर्व में तनाव से कच्चे तेल में उछाल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन की आड़ से उमड़ी भीड़। राज्य सरकार की ओर से आखिर बुधवार रात से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। कड़ा लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा कुछ दिनों से थी। इसके कारण लोग फिर भी एक बार खरीदारी के लिए दुकानों में उमड़ पड़े। अब तक लगे सभी लॉकडाउन में सब्जी, किराना, दूध जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं को राहत दी गई, लेकिन इसके बावजूद घबराहट में लोग खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। इस दौरान लोग आपाधापी में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना भूलकर राशन व सब्जी सहित अन्य जरूरी सामान समेटने में जुड़े रहे। दुकान व बाजारों में पूरे दिन नियमों की धज्जियां उड़ती रही। ना कोई रोकने वाला नजर आया और ना ही कोई टोकने वाला। लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से आते जाते रहे। राज्य के कई शहरों में इस समय वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में कड़ा लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत पिछले काफी समय से दिए जा रहे थे। इससे पहले ही शहर में लॉकडाउन लगने की चर्चा फैल गई थी। इंटरनेट मीडिया में भी लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। लॉकडाउन लगने की आशंका से खरीदारों की भीड़ बाजार में पहुंच गई थी। घरों में 8 दिनों का राशन व जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोगों ने भीड़ की भी परवाह नहीं की। दुकानों में जहां से भी जगह दी गई वहां भीड़ को चीरते हुए काउंटर तक पहुंचते मशक्कत करते रहे और जब तक सामान की खरीदारी नहीं कर ली हटे भी नहीं। तो वही दूसरी ओर मनमानी कर रहे व्हाट्सएप फेसबुक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अदालत में कहा कि व्हाट्सएप की नई नीतजा नीति से इस नेटवर्क मंच का उपयोग करने वालों के डेटा का अत्यधिक संग्रहण होगा और यह अधिक से अधिक प्रयोगकर्ताओं को जोड़ने के उद्देश्य से लक्षित विज्ञापन करने के लिए उपभोक्ताओं का पीछा करने जैसा होगा। यह एक तरह से बाजार में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करना है। सीसीआई ने संदेश भेजने पर मंच व्हाट्सएप की नई नीतजा नीति की जांच आदेश दिया है। अपनी जांच को उचित ठहराते हुए सीसीआई ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। सीसीआई की ओर से लेकी ने कहा कि सीसीआई इस मामले में प्रतिस्पर्धा के पहलुओं पर गौर कर रहा है। प्रतिस्पर्धा नियामक व्यक्तिगत निजता के उल्लंघन के मामले को नहीं देख रहा है। निजता के अधिकारी से जुड़ा मामला उच्चतम न्यायालय में है। सीसीआई के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में अधिकारी क्षेत्र की गलती का सवाल नहीं है। तो वही तीसरी ओर मध्य पूर्व में तनाव से कच्चे तेल में उछाल। क्रूड ऑयल में मंगलवार को तेजी देखी। इसकी वजह मध्य पूर्व में तनाव है। यमन के हुर्ती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी तेल ठिकानों पर मिसाइल दागी है। उधर अमेरिका के क्रूड ऑयल के स्टॉक में भी कमी का अनुमान है। इससे क्रूड को सपोर्ट मिला है। पिछले 3 हफ्ते में क्रूड की कीमतें सीमित दायरे में रही है। इसकी वजह है कि अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था में अच्छी रिकवरी की उम्मीद के बावजूद यूरोप में टीकाकरण का रफ्तार सुस्त है। इसके अलावा आने वाले महीनों में इराक से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 9 सेट यानी 0.1% की तेजी के साथ $63.37 प्रति बैरल था। अमेरिकी क्रूड ऑयल फ्यूचर भी 11 सेट यानी 0.2% की मजबूती के साथ $59.81 प्रति बैरल था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।